कीजिएगा। हाय गाइस, तो जैसे आप लोगों को पता है मैं सरोजनी नगर गई थी और रात के अभी आप देख सकते हो 1:30 बज रहा है। तो अभी मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे रहा नहीं गया कि मुझे देखना था कि कैसा क्लॉथ होता है, कैसा फैब्रिक होता है और कैसी फिटिंग आती है सबसे इम्पोर्टेंट, और लुक कैसा आता है उस चीज़ के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, अलग अलग चीज़ें आप लोगों के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। किन लोगों के लिए? आप लोगों के लिए, खुद के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पन्नी भर के लेके मैं आपको पहले पैकिंग बता रही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो इस हॉल में हमारे पास बहुत सारे पार्सल्स हैं। अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ और साइड में उसका लुक फिट सब कुछ साइड में चलता रहेगा वीडियो में, तो आप लोग देख के बता देना। अब स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सब मैं एक एक करके मैंने सारे खोल लिया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने शॉर्ट्स जैकेट लिया था वहाँ से। मतलब मैं ज़्यादा शॉर्ट प्रेफर नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने ज़्यादा शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं लिया था, नी से थोड़े से ऊपर तक लिया था। साइड में वीडियो चल रही होगी, आप देख सकते हो बहुत अच्छा फिट आया है मुझे, परफेक्टली मेरे साइज का है, तो इसके लिए थम्स अप, बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने आपको ये वाली पिंक शर्ट पहन के दिखाई है, इस पर टैग तो लगा है मैंगो का। मैंगो में एक शर्ट आती है 2,000 से ऊपर 2,500 तक की, और ये यहाँ पर उन्होंने मुझे दिया है। वैसे तो वो 350 बोल रहे थे, पर बार्गेनिंग करने के बाद 250, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसे चीप कपड़े नहीं खरीदे हैं कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे 50-100 रुपये वाले, तो इस वजह से पन्नी से निकाल कर उन्होंने दिया, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो ये भी बहुत अच्छी। और इसके साथ ही मैंने लिया था एक ये वाली नियॉन कलर की, मतलब येल्लो है ये शायद, लेकिन हल्का नियॉन लुक दे रहा है। तो ये है कॉटन की, ये है स्ट्रिप्स में, और ये है प्लेन, ये भी 250 की मुझे पड़ी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। इसके नीचे जो मैंने जीन्स पहन रखा है वो मेरा खुद का जीन्स है, मतलब पहले से लिया हुआ है, बस ये मैंने वहां से लिया है 250। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, ये जो वाइट स्कर्ट वहां से लिया है मैंने सरोजनी मार्केट से, ये मुझे पड़ा है, उन्होंने 400 पहले बताया, फिर कहने लगे 350 300, मुझे मैंने बोला चाहिए नहीं, फिर जबरदस्ती उन्होंने मुझे ये कितने में दिया है, 250 में दिया है। हाँ, ये मुझे उन्होंने 250 में दिया है। और ये वाला भी उसके साथ मैंने टॉप लिया था फिर कि ऊपर मैं क्या पहनूंगी कर, तो ये वाला मुझे पड़ा है, आई थिंक वो 200 बता रहे थे पर 150 का दिया है, तो ये बहुत अच्छी डील थी। क्योंकि जनपद में मैं जब गई थी तो वहाँ पर मुझे ये टॉप जो थे, इसको क्रोशिया टॉप बोलते हैं, ये उन लोग 1200 रुपये, फिर 900 रुपये, फिर 500 रुपये, 300 रुपये, उससे कम कोई नहीं दे रहा था। सरोजनी बेस्ट है अगर आपको बार्गेनिंग करना है, बिल्कुल चीप प्राइस में अच्छी चीज़ चाहिए, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये वाला सेट मुझे पड़ा 250 और 150 400। फिर मैं आपको बताती हूँ नाइट सूट, मैंने वहाँ से नाइट सूट लिया, आप लोग देख सकते हो इसका फिट, इसका लुक बहुत प्यारा आया है। तो ये है नाइट सूट, इसमें मैंने उनसे पूछा, मैंने हर शॉप में एक ही बात पूछा, मैं बोला कि भैया 2 से 3 बार तो चल जाएगा ना, मतलब मैं 1 से 2 बार तो भी पहन लूंगी ना, वो कहते हैं अरे मैडम आप 10 बार पहन लोगे, मैं बोली नहीं 10 बार तो मैं नहीं पहनती हूँ, बट ऐसी। तो ये एक ही मैंने नाइट सूट लिया वहाँ से, ये मुझे पड़ा था, फिक्स प्राइस था 250 का, वर्थ इट है, अच्छा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मोस्ट फेवरेट थिंग मेरी जो इस हॉल की है भाई, ये इसका आप लुक देखो एक बार, जो साइड में आपको वीडियो चल रही होगी इसका लुक देखो, मतलब इतना प्यारी फैब्रिक की, इतनी प्यारी फिटिंग आई है मुझे इसकी। और मैं आपको बताऊँ ये दोनों भी, इसके बाद एक और वीडियो चलेगी, तो ये दोनों भी मैंने सेम शॉप से खरीदा है, तो मुझे बहुत अच्छे लग गए थे। इसके फिट, इसका लुक, मतलब कौन बोलेगा भाई कि ये मुझे कितने, वो 5500 के बता रहे थे, उन्होंने मुझे 4400 में दे दिया, ये मुझे 800 रुपये में 2 मिल गए, मतलब आई कांट बिलीव, 400 रुपये में। और मैंने कल ही बताया, कल मैंने ऐड टू कार्ट कर रखा है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी आपके लिए, कि मैंने गैप से मैं लेती हूँ ज़्यादातर कपड़े, तो गैप में इस कलर में इस पैटर्न में 2000 या 2100 का कुछ का था, वो मैंने विशलिस्ट कर रखा है, उसमें ना मेरा साइज अवेलेबल नहीं था तो उस चीज़ के लिए। और मेरे को जब आज सरोजनी में दिखा तो मैंने बोला ले लेती हूँ, पता नहीं अगर आया तो ठीक है 400 रुपये, नहीं आया तो कोई बात नहीं किसी और को दे दूंगी, अगर छोटा हुआ तो छोटे को, बड़ा हुआ तो बड़े को, लेकिन बहुत प्यारा आया और मैं ज़रूर इसको पहनूंगी, अच्छा।
मैंने एक सूट खरीदा है वहां से, एक ही सूट लिया, मेरे पास बहुत सूट थे बट स्टिल मुझे सब कुछ लेना था, इस वजह से मैंने एक सूट लिया है दिखाने के लिए, तो ये मुझे पड़ा है। वैसे तो वहां पर जो कुर्तीस है आप लोग देख लेना, मैं पूरी क्लिप्स ऐड कर दूंगी। कुर्ती है वो 300-350 की थी, पर ये जो सेट है ये मुझे पड़ा है 600 का, मुझे अच्छा लगा। बस इसमें एक है कि अंदर ना मुझे गड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आया, जब मैंने इसको पहनकर ट्राई किया ना तो कुछ चीज़ें मुझे गड़ रही थी। आई डोंट नो, शायद ये कपड़ा वैसा होगा हल्का सा, बट ठीक है, मतलब ऐसे कहीं रैंडमली जाने के लिए 600 में कॉट सेट अच्छा है। वो ऐसे ये जो थे उन्होंने बताया मुझे 1500 के सेट है, पर वो अभी दे रहे हैं उतने में 600 में, खैर वो तो बोलने वाली बात होती है, बट नाइस, अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये मेरे को चाहिए था एक वाइट कलर का, और क्या बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी कुर्तीज़ है पिंक कलर की, येलो कलर की, ब्लू कलर की, तो उसके नीचे पहनने के लिए मुझे वाइट कलर का मेरे पास है प्लाजो, बट वो छोटा है तो ये लॉन्ग दिखा मुझे। इसमें घेर भी बहुत सारी है, बहुत अच्छी घेर है इसमें और बहुत कंफर्टेबल है, और म्यानी भी बहुत अच्छी है और बहुत बड़े साइज के लिए भी है, तो ये मुझे पड़ा था 250 का, बहुत अच्छा। और वहाँ से मैंने एक शर्ट भी लिया था जिसके साथ मैंने वियर करके दिखाया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था किसके साथ पहन के दिखाऊं ताकि उसका प्रॉपर पूरा लुक आए, तो इस वजह से मैंने ये शर्ट के साथ पहना था। और ये शर्ट मुझे पड़ी थी अराउंड 150 की। एक्चुअली क्या हुआ ना गाइस, पहले हम गए तो हमें 200 का लॉट दिखा, 200 का सेल, फिर 150 का सेल, मतलब चल 150 के सेल से ले लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फिर हम आगे गए तो 100 का, और उसके बाद आगे गए तो 50 का, मैं बोली ओ भाई ये क्या है, लेकिन वहां से हमने नहीं लिया क्योंकि वो यूज्ड होता है, बट ये जो है ये यूज नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनके पास पैकेट्स में भी है, सारी चीजें हैं, कहीं कोई दाग, कहीं कोई चीज, कुछ भी नहीं था, फ्रेश माल था, इसलिए मैंने लिया, अदरवाइज मैंने नहीं लिया है। बहुत सारी चीज मैंने छोड़ दिया जो मुझे ऐसा फील भी हो रहा था कि यहाँ पर यूज है तो मैं नहीं चाह रही। उसके बाद मैं दिखाऊँ आगे, तो मैंने एक ड्रेस खरीदा है ब्लैक कलर की, सो गुड, बहुत प्यारा लुक आया उसका, बहुत प्रीमियम लुक लग रहा है, कोई नहीं बोलेगा कि ये ड्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ 350 की पड़ी है। आप यकीन करोगे, ये ड्रेस 350 की, आप लुक देखो एक बार इसका, मतलब माइंड ब्लोइंग, मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैं इसको प्रॉपर एसेसरी के साथ वेयर करूंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लुक देती है, तो इसके लिए भी थम्स अप। और ये स्पेशली मुझे शादुल भाई ने रिकमेंड करा था कि ये ले ले, मतलब मैं नियॉन कलर पसंद करी थी बट ही सेड कि नहीं ब्लैक सब पे जाएगी, ब्लैक बहुत अच्छी लगती है, मतलब ब्लैक मेरे पास कॉटन ड्रेस है तो ले लेती हूँ। और एक ये गलती से आ गई, मतलब गलती से क्या बोलूँ, मतलब ये जैसी मैंने पहनी ना मुझे फर्स्ट फीलिंग आई कि मैंने झबला पहन लिया, बचपन में सब लोग झबला नहीं पहनते थे, मतलब उस टाइप की फीलिंग। लेकिन ठीक है, मतलब अब क्या बोलूँ, ये मुझे पड़े थी 250 की, आई थिंक वहाँ पर सेल लगी थी 250 में, मैंने सोचा कि ले लेती हूँ अच्छा लुक देगा, बट बहुत बेकार, बहुत बेकार। वर्स्ट मोस्ट फेवरेट आर्टिकल मेरे इस हॉल का ये हुडी, मतलब भाई इसका लुक माइंड ब्लोइंग, आप बाजू में वीडियो देख रहे होंगे, माइंड ब्लोइंग। मतलब मैंने तो शादु भाई को बोला अभी जो मैं ट्रिप पे जाऊंगी मैं पक्का इसको एयरपोर्ट पे पहनकर जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और इसका प्राइस आप लोग गैस करो, इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 250। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था इतनी अच्छी हुडी 250 में कैसे मिल सकती है, ये चीज। उसके बाद आगे चलते हैं, मैंने ना कुछ, मुझे वो ट्रेंच कोट टाइप होता है लॉन्ग, तो मुझे वो चाहिए था, मैंने सोची क्यों ना मैं देख लेती हूँ सरोजनी में, बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बहुत सारे रिव्यूज थे, तो एक मैंने ये रेड कलर का खरीदा था, बाजू में आप देख सकते हो वीडियो चल रही होगी, तो ये लॉन्ग था, अच्छा है, बस हल्का सा ढीला हुआ है, बट ठीक है कभी पहन लेंगे। वैसे एक और मैंने देखा था, ये लिया है बट बहुत ज़्यादा ढीला हो गया, मुझे लॉन्ग चाहिए था, उस चक्कर में मैंने ये ले लिया, और अंधेरे में मुझे लगा ये बेज कलर है बट वही ग्रीन कलर निकला, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अरे मैडम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ले लो ले लो ले लो, तो ये मुझे पड़े हैं कुछ अराउंड 500 के दोनों, उन्होंने बताया था तो मैंने दो ले लिए थे 500, बट मुझे पसंद नहीं आया, ये भी मेरे को नहीं है, ये दोनों चीज़ मुझे नहीं पसंद, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे कपड़ों का मार्केट खत्म होता है, अब हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ जो कि हमारी एसेसरीज और
फुटवेयर आइटम्स, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। एक्सेसरी तो भैया फोन का कवर है भाई साहब, इतना क्यूट लग रहा था मुझे। मैंने जैसे ये देखा कि इससे ये निकलता है, मतलब ऐसे पकड़ने वाला है, जस्ट सो क्यूट। मतलब छोटा सा गुड्डा बना है जिसमें रेड यहाँ पर वो लगी हुई है इसके, और पिंक कलर के इसके गाल हैं। बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने बोला ले लेती हूँ। ये मुझे पड़ा अराउंड, उनने बताया था 500 का, बट उसने मुझे 350 में दे दिया। तो हमने एक शाजू भाई के लिए खरीदा और एक मेरे लिए खरीदा, ये 350 का पड़ा मुझे, बट अच्छी डील थी। आगे चलते हैं तो मैं ये दिखाती हूँ आपको, कंगन दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये ना मेरे पास पहले थे, मैंने सरोजनी से लेकर आए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। जब हम ओवेस का कुर्ता पैजामा सिलाने गए थे तो वहाँ पर एक शॉप थी बाजू में, तो जस्ट मैं गई, मैंने वहाँ से खरीदे थे, मुझे वो 350 के पड़े थे, बट आज मुझे ये 250 के पड़े। मतलब उन्होंने, मतलब दूसरी शॉप से मैंने लिया तो 250 के पड़े, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब कोई दिक्कत नहीं बोलेगा कि ये 250 के कड़े हैं, मतलब लग रहे हैं मुझे 1500 या 2000 वाले जो हम नॉर्मल शॉप से। मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे कड़े मैंने शादी के टाइम पे लिए थे, और 5000-6000 रुपए के मेरे एक एक कड़े थे, और लिटरली ये वाले 250 के कोई नहीं बोलेगा। वहाँ जाओ तो एसेसरी जरूर लेकर आना। मैं आपको एक और चीज, आधी आधी चीज़ इधर उधर पड़ी हुई है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने एसेसरीज में और क्या लिया था। ज्यादा नहीं लिया मैंने, एक तो ये नोज पिन लिया था मैंने, ये वाली आप देख सकते हो, एक ये लिया है मैंने, और एक ये लिया है रिंग। ये रिंग मुझे 100 रुपीज की पड़ी, उन्होंने बोला कि इसका कोई भी कलर कुछ भी फेड नहीं होगा, और ये भी मुझे 100 रुपीज का दिया उन्होंने, और ये वाली मुझे पड़ी है 30 रुपीज की। तो ये टोटल तीनों चीज़ मुझे 230 का पड़ा है, और ये वाला 250 का पड़ा है। मेरे पास सिर्फ इतनी ही है, मैं आपको ऐसे पहनेंगे तो कुछ ऐसा लुक देंगे तो अच्छा आएगा, जब हम बंजारा लुक क्रिएट करेंगे तो उसके लिए। लोकल मार्केट से लिया था ये, भी मैंने सोची थी बेज कलर की है पर ये दूसरे कलर की। तो ये मैं, ये ना बरसात में पहनने के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब मेरे पास पहले थी, ये ना मुड़ती है ना टूटती है, तो बहुत अच्छी होती है ये बरसात में पहनने के लिए। मुझे 250 की पड़ी, पहले भी मैंने इतने की ही लिया था कहीं और से, लोकल मार्केट से, तो ये मुझे अच्छी लगी 250 की। मेरे पास मोस्टली फुटवेयर्स यहाँ के हैं, कैट है ना, आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ के हैं मेरे पास। वहाँ पर इसका भी एक आउटलेट था, मैंने बोला चलो यहाँ चलकर देख तो कुछ मिल जाए, मुझे अभी ट्रिप के लिए चाहिए थे। तो मैंने एक तो ये रेड कलर की लेकर आए अपने जूती, मतलब सैंडल, मेरे पास रेड सैंडल नहीं थी इस वजह से, और दूसरा एक वाइट कलर की मुझे सैंडल चाहिए थी ऐसे यूजली पहनने के लिए, तो वो लेकर आई। तो ये तो ब्रांड की है, तो ऑफकोर्स ये मुझे पड़ी है, बट फिर भी इसमें ऑफ चल रहा था। ये मुझे पड़ी है 999 की, मतलब 1000 की ये पड़ी है, और ये पड़ी है 700 रुपीज़ की, 699 की। तो ये तो खैर मुझे पता था इतने की आएगी, तो वहाँ पर मुझे दिख गया था तो मैंने वहीं से ले लिया था। तो ये भी बहुत प्यारी है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं मेनली बूट्स जो मुझे चाहिए थे। सरोजनी नगर में बहुत अच्छे बूट्स मिलते हैं, मैंने सुपर सफर इसलिए मैं गई। मैंने सबसे पहले तो ये वाइट कलर के लेकर आए हैं एक बूट्स, और इसके अंदर उन्होंने बोला है इसको डाल लेना, तो मेरे को हल्का सा ढीला हो रहा था, वो ढीला नहीं होगा। तो ये पहले तो ये वाले बूट्स हैं, सॉरी, और एक मैंने बूट्स लेकर आए हैं ये वाले। मेरे पास एक बूट्स थे बट वो उतने अच्छे नहीं, क्योंकि उसमें बाजू में चेन नहीं है, इसमें बाजू में चेन है जो मैं आराम से वेयर कर सकती हूँ। और ये लेदर के हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि ये लेदर के हैं, ये कुछ भी नहीं होगा, आप कहीं पे भी पहन कर जाओ, कुछ भी करो। तो मुझे चाहिए थे तो इसलिए मैंने लिया है बूट्स। ये मुझे पड़े हैं 1500 के, और ये मुझे उन्होंने दिया है, मतलब वो बता तो मुझे 2800 रहे थे, बट ये मुझे उन्होंने दिया है अराउंड 2400 के, मतलब उससे कम वो नहीं कर रहे थे। एंड मुझे लेना ही था तो मैंने बोला कि चलो क्यों ना मैं ले लेती हूँ, वहाँ पर एक बहुत अच्छी शॉप थी, बहुत बड़ी शॉप थी, तो वहाँ से लिया है मैंने। तो ये अराउंड मुझे 1500 और ये 2400 के पड़े, तो मतलब आप समझ जाओ कि 2500 और
1500 कितना था, 4000 रुपये, तो मैंने मोटा मोटा उनको 3900 रुपीज़ पे किया भाई दोनों के, और बाकी ये तो और ये 5 फुटवेयर मैं लेकर आई हूँ, तो आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। अभी साइड में इसकी वीडियो चल रही होगी कि कैसा लुक आ रहा है। बाकी अच्छा लगा होगा इस ब्लॉग को तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इतना सारा खर्चा हो गया भाई, इतना तो कर ही देना। कमेंट करके बताना नेक्स्ट आपको कौन से मार्केट का ब्लॉग चाहिए और क्या क्या और आपको चाहिए, कि आपको ये देखना है कौन कोई कपड़े पर्टिकुलर, साड़ी या सूट या वॉट एवर, तो मैं उसमें आपका आपके लिए ब्लॉग बना दूँगी। बाकी बाय बाय, गुड नाइट।